दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको हेमचंद यादव विश्वविद्यालय यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन जो है पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा द्वितीय अवसर 2022 का, जो कि 30 अप्रैल को इस परीक्षा हुई थी, उसका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें कौन कौन क्वालिफाई कर पाया है और कौन कौन क्वालिफाई नहीं हुए हैं, ये सब आपको यहाँ पर इस रिजल्ट में मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा यहाँ पर आपके नामों की लिस्ट है जो लोग इस परीक्षा में 30 अप्रैल को शामिल हुए थे, तो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का यहाँ पर लिस्ट आ चुका है, एक प्रकार ये रिजल्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीएचडी कोर्स वर्क सेकंड चांस का ये रिजल्ट है। तो हिंदी विषय के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर, नाम और रिजल्ट यहाँ लिखे गए हैं। तो देखिए हिंदी विषय के लिए यहाँ पर चार लोग थे, चार में से एक अब्सेंट है और तीन क्वालिफाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप अपने नाम देखने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में 10 स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं, और सोशियोलॉजी में यहाँ पर देखते हैं तो सभी क्वालिफाइड है जो लोग शामिल हुए थे। हिस्ट्री के लिए 3 स्टूडेंट क्वालिफाइड है। पॉलिटिकल साइंस में भी सभी यहाँ पे क्वालिफाइड हो चुके हैं। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में 3 लोग हैं, और मैथमेटिक्स में यहाँ पर क्वालिफाइड कर गए हैं। और देखते हैं बॉटनी के लिए एक स्टूडेंट थे, वो भी यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं। जूलॉजी में 5 स्टूडेंट ये सभी क्वालिफाई कर चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स में 2 स्टूडेंट है वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। होम साइंस में 1 स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाया है, और एजुकेशन में यहाँ पर बहुत सारे हैं तो सभी क्वालिफाइड है, एक ही नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ये नाम आप लोग चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें 2 लोग नॉट क्वालिफाइड है, बाकी यहाँ पर क्वालिफाइड है। साइकोलॉजी में 2 स्टूडेंट क्वालिफाइड है, ठीक है, इतना ही ये लिस्ट है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट और नाम क्वालिफाइड कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, ये सब चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से। तो धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।